हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। इंजीनियर्स, जब भी हम मेजर ब्रिज के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं या फिर माइनर ब्रिज के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जहां से आपका ब्रिज स्टार्ट होता है वहां पे हम अबटमेंट प्रोवाइड करते हैं, और जहां पे आपका ब्रिज खत्म होता है वहां पे हम अबटमेंट प्रोवाइड करते हैं, और उसके जस्ट पीछे आपकी रिटेनिंग वॉल आ रही होती है। तो जब आप अबटमेंट को और रिटेनिंग वॉल को ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको छोटे छोटे छेद दिखाई देंगे, छोटे छोटे आपके छेद दिखाई देंगे, जिसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, बीप होल्स बोलते हैं, और उसके पीछे आपका फिल्टर मीडिया भी आ रहा होता है। तो जनाब, आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम रिटेनिंग वॉल और आपके जो अबटमेंट होते हैं उसमें हम छेद क्यों प्रोवाइड करते हैं, जिसको आप बीप होल्स बोलते हैं, उसका क्या फंक्शन होता है, और उसके पीछे आपका फिल्टर मीडिया क्यों प्रोवाइड किया जाता है, इसकी क्या कहानी है, ये आज आपको डिटेल में सीखने को मिल रही होगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए तो आपको कंप्लीटली समझ में आएगा कि हमारा बीप होल्स और आपके फिल्टर मीडिया क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, और इसकी डिटेल को हम मेजर ब्रिज प्रोजेक्ट की ड्राइंग में कैसे एनालिसिस करते हैं, ताकि आप इसका साइट पे जाके एग्जीक्यूशन करवा सकें और इसकी एस्टीमेशन और कॉस्टिंग का भी आप इसका काम कर सकें। ये सेशन थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन इसको आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको एक एक चीज समझ में आ रही होगी ड्राइंग के थ्रू। तो जनाब, मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टीमेशन एंड बिलिंग इंजीनियर, और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स में आप सभी का रेनफोर्स ट्रेनिंग स्ट्रीट फॉर सिविल इंजीनियर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। इंजीनियर्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको मेजर ब्रिज के प्रोजेक्ट का ड्राइंग दिख रहा होगा। तो इसी ड्राइंग के थ्रू आज हम समझने वाले हैं कि इसमें हम लोग जो फिल्टर मीडिया का डिटेल दिया रहता है, रिटेनिंग वॉल और अबटमेंट के पीछे जो आपको बीप होल्स का डिटेल दिया रहता है, उसको हम कैसे एनालिसिस करेंगे। लेकिन उसको एनालिसिस करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि हम एक ब्रिज के प्रोजेक्ट में फिल्टर मीडिया क्यों प्रोवाइड करते हैं, बीप होल्स क्यों प्रोवाइड करते हैं, कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ये समझना हमें जरूरी है। तो आप इस बात को समझिए कि जहां से ब्रिज स्टार्ट हो रहा है वहां पे हमारा अबटमेंट आता है, और जहां पे ब्रिज खत्म होता है वहां पे भी हमारा अबटमेंट आता है। तो उस अबटमेंट के पीछे हम लोग रिटेनिंग वॉल भी बनाते हैं, तो दोनों चीजें आती हैं, आपका अबटमेंट भी आता है और आपका रिटेनिंग वॉल भी बनती है। तो जो आपका अबटमेंट है और जो आपकी रिटेनिंग वॉल है, उन दोनों में हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके बीप होल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मींस हम छेद कर रहे हैं। जो आपकी रिटेनिंग वॉल है उसमें कुछ छेद कर देंगे, जो आपका अबटमेंट है उसमें कुछ छेद कर देंगे, उसी को टेक्निकली हम लोग क्या बोल रहे हैं, बीप होल्स बोल रहे हैं। और उस रिटेनिंग वॉल और उस अबटमेंट के जस्ट पीछे, जैसे ये हमारा अबटमेंट है और इसके जस्ट पीछे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह से फिल्टर मीडिया प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये सब क्यों कर रहे हैं, इस बात को समझिए। अब होता क्या है कि जो हमारा अबटमेंट है और जो आपकी रिटेनिंग वॉल है, तो उन सब के बीच में हम लोग क्या करते हैं, अप्रोच की सॉइल फिल करते हैं। आपकी जो अप्रोच बनती है रोड को ब्रिज से कनेक्ट करने के लिए, हम लोग अप्रोच बना रहे होते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉइल फिल करते हैं। अब जो आपकी सॉइल फिल हो रही है अबटमेंट और रिटेनिंग वॉल के बीच में, तो आपका क्या हो रहा है, सॉइल का प्रेशर तो आ ही रहा है, लेकिन रेनी सीजन में क्या होता है, आपका वाटर भी आता है। तो जो आपका अबटमेंट है और जो आपकी रिटेनिंग वॉल्स हैं उस पर आपका सॉइल के साथ साथ वाटर का भी प्रेशर आ रहा है। तो जब आपका वाटर का प्रेशर आएगा तो जो आपका अबटमेंट है, जो आपका रिटेनिंग वॉल है, वो आपका फेल कर जाएगा, आपका स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, क्योंकि उस पर एडिशनली सॉइल के साथ साथ वाटर का प्रेशर आ रहा है। तो रेनी सीजन में जो आपका वाटर आने वाला है या फिर जो नॉर्मली वाटर आने वाला है, उसको रिलीज करने के लिए, जो वाटर का प्रेशर है उसको रिलीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो आपकी रिटेनिंग वॉल्स होती हैं और जो आपका अबटमेंट की जो वॉल्स होती हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, होल्स प्रोवाइड करते हैं। उस होल को हम लोग क्या बोलते हैं, बीप होल बोलते हैं, जिसके थ्रू आपका वाटर पास हो रहा होता है। अब मसला क्या है कि आपका वाटर तो पास हो जाएगा, वाटर का प्रेशर भी रिलीज हो जाएगा, लेकिन आपका वाटर के साथ साथ सॉइल भी पास हो जाएगा। जब वाटर बह के जाएगा तो अपने साथ साथ सॉइल को भी बहा के ले जाएगा, तो फिर हमारा जब सॉइल बह जाएगा तो फिर भी हमारा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो आपका सॉइल वाटर के साथ बह के ना जाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अबटमेंट और रिटेनिंग वॉल के पीछे आपका फिल्टर मीडिया प्रोवाइड करते हैं। तो फिल्टर मीडिया क्या करता है, वाटर को फिल्टर करके पास कर देता है, और जो सॉइल होती है उसको होल्ड करके रखता है फिल्टर मीडिया, जिसमें हम लोग ग्रेनुलर मटेरियल का यूज कर रहे होते हैं। तो रिटेनिंग वॉल और आपका जो अबटमेंट है उसके जस्ट पीछे आपका 500 mm 600 mm थिकनेस का एक फिल्टर मीडिया आता है, जिसमें हम लोग ग्रेनुलर मटेरियल का यूज करते हैं। तो वो क्या करता है, आपकी जो सॉइल है अप्रोच की उसको होल्ड करके रखता है, ठीक है ना, और सिर्फ वाटर को फिल्टर होके पास होने देता है। तो हमारा स्ट्रक्चर भी फेल नहीं होता है और वाटर का प्रेशर भी रिलीज हो जाता है, आपका जो सॉइल है वो भी स्टेबल रहेगा और जो आपका वाटर है वो भी आपका फिल्टर मीडिया के थ्रू फिल्टर होके बीप होल्स के थ्रू आपका रिलीज हो जाएगा। तो सिर्फ हमारा अबटमेंट और रिटेनिंग वॉल के ऊपर आपका जो वाटर है उसका प्रेशर नहीं आएगा और सिर्फ सॉइल का प्रेशर आएगा, तो चीजें हमारी स्टेबल रहेंगी। तो ये कहानी होती है बीप होल्स की और आपकी फिल्टर मीडिया की। अभी मैं आपको चीजें ड्रॉ करके दिखाता हूँ और फिर मैं आपको ड्रॉइंग में भी दिखाऊंगा, तो चीजें आप फील कर पाएंगे कि किस तरह से हमारा स्ट्रक्चर में फिल्टर मीडिया आता है और आपके बीप होल्स आ रहे होते हैं। तो आप स्क्रीन पर देखेंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ किस तरह से चीजें होती हैं। मैं एक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ जिसके थ्रू आप एनालिसिस कर पाएंगे, फिर मैं आपको ड्राइंग में लेके चलूंगा। ये देखेंगे आप, तो इस तरह से मैं आपके लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ये देखेंगे, ये हमारा अबटमेंट है,
ये हम यहाँ पे एक अबेटमेंट बना लेते हैं, और यहाँ पे जस्ट इमेजिनेशन के लिए मान लेते हैं कि यहाँ से कोई आपका रिवर फ्लो हो रहा है, इस तरह से ये कोई आपका रिवर फ्लो हो रहा है, ये यहाँ पे आपने अबटमेंट बनाया हुआ है, एक अबटमेंट आपका इस साइड आ जाएगा इस तरह से। इस अबटमेंट के पीछे आप देखेंगे इस तरह से हमारा क्या आएगा, ये रिटर्निंग वॉल आएंगी, जिसको आप रिटर्न वॉल भी बोल सकते हैं, ये देखेंगे इस तरह से। तो ये हमने इसके पीछे ये रिटर्न वॉल बना दी, तो इसके पीछे ये इस तरह से आपकी रिटर्न वॉल आ जाएंगी। इसी तरह से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये इस तरह से हमने ये रिटर्न वॉल बना दिए। तो ये देखेंगे ये हमारा स्टार्ट हो गया है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारा अबटमेंट है, ये हमारी क्या है रिटर्निंग वॉल्स हैं, ये भी हमारा अबटमेंट है और ये हमारी क्या है रिटर्निंग वॉल्स। तो ये देख रहे हैं जहां से ब्रिज स्टार्ट हो रहा है वहां पे हमारा अबटमेंट बन रहा है, और जहां पे आपका ब्रिज खत्म हो रहा है वहां पे अबटमेंट बन रहा है, बाकी बीच में आपके पियर्स आ रहे होंगे तो उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। अब क्या होता है कि हम रोड को ब्रिज से कनेक्ट करने के लिए आपका अप्रोच बनाते हैं, तो उस अप्रोच में क्या होता है आपकी सॉइल की फिलिंग करनी पड़ती है, तो वो देखेंगे इस तरह से आपका फिलिंग होता है सॉइल या फिर आपकी सैंड फिलिंग होती है इस तरह से, ये देखेंगे इस तरह से यहाँ पे ये आपका पूरा ये आपका सॉइल या फिर ये सैंड की फिलिंग होगी, क्योंकि हमें रोड को ब्रिज से कनेक्ट करना है, ये देखेंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया यहाँ पे ये सॉइल की फिलिंग कर दी। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारी ये रिटेनिंग वॉल्स हैं, ये जो आपकी रिटेनिंग वॉल है और जो आपका अबटमेंट है उसके ऊपर सिर्फ सॉइल का प्रेशर आ रहा है, तो वो उसको काउंटर कर लेगा, लेकिन जब आपका रेनी सीजन आएगा या फिर जब भी आपका रेनफॉल होगा तो उसमें आपका वाटर एंटर करेगा, और वाटर एंटर करेगा तो उसमें वाटर का एडिशनली प्रेशर आएगा। जब वाटर का इन दोनों स्ट्रक्चर के ऊपर आपका अबटमेंट के ऊपर इसमें इस तरह से आपका रेनफॉल होता है, ये देखेंगे इसमें इस तरह से आपका रेनफॉल होता है, तो ये वाटर का एडिशनली प्रेशर आएगा, ये इस तरह से वाटर का ये एडिशनली प्रेशर आने वाला है। तो अब ये जो वाटर का जो एडिशनली प्रेशर आएगा इसकी वजह से हमारा क्या होता है, जो आपके स्ट्रक्चर है अबटमेंट है जो आपका रिटेनिंग वॉल है वो आपका फेल हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाटर को रिलीज करने के लिए आपके बीपुल्स प्रोवाइड करते हैं, तो इस तरह से हम लोग क्या करने वाले हैं, ये बीपुल्स प्रोवाइड कर देंगे, आप ये देखेंगे हम इस तरह से ये बीपुल्स प्रोवाइड कर देंगे, जो आपका ये देखेंगे इस तरह से हम ये बीपुल्स प्रोवाइड कर देंगे अबटमेंट में भी और आपकी रिटेनिंग वॉल में भी। मोस्टली ड्रॉइंग्स में देखेंगे तो आपको 1000 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर स्टैगर्ड वी पोल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, मैं आपको अभी ड्रॉइंग में दिखाऊंगा। तो इस तरह से हमने क्या किया है, जो हमारा अबटमेंट है उसमें हमने ये वी पोल्स प्रोवाइड कर दिए हैं, ये देखेंगे आप 100 mm का डाया होता है पीवीसी पाइप के साथ डाला जाता है, जब आपके अबटमेंट की कास्टिंग होती है रिटेनिंग वॉल की कास्टिंग होती है तो उसी समय हम लोग उसमें एक 100 mm का डाया का पीवीसी पाइप डाल देते हैं, जिसके थ्रू हमारा बी पोल्स बन जाता है, और इसकी जो स्पेसिंग होती है वो आपकी 1000 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर स्टैगर्ड रखते हैं, और इसमें भी आपका इस तरह से ये बी पोल्स आ जाएंगे। अभी मैं आपको मैनुअली दिखा रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें फिर मैं आपको ड्रॉइंग के थ्रू भी दिखाने वाला हूँ, ये देखेंगे। तो इस तरह से हमने इसमें क्या किया, ये बी पोल्स बना दिए हैं। तो ये देखेंगे हमारा बी पोल्स बन गया है, हमने रिटेनिंग वॉल में भी वी पोल्स बना दिए हैं और जो आपका अबटमेंट है उसमें भी वी पोल्स बन गए हैं। तो ये देखेंगे स्क्रीन पे इस तरह से हमने ये वाइट कलर का ये वी पोल्स यहाँ पे बना दिया, सिर्फ आपको समझने के लिए, चीजें प्लान में देखेंगे तो वैसे ही दिखाई देंगी, ठीक है ना, सिर्फ समझना है, विजुलाइजेशन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें समझना। तो ये देखेंगे इस तरह से हमारा वी पोल्स आएगा। अब इस वी पोल्स के थ्रू आपका जो वाटर आ रहा है वो आपका रिलीज हो जाएगा, तो फिर हमारा स्ट्रक्चर के ऊपर वाटर प्रेशर नहीं आएगा। लेकिन समस्या क्या है कि अगर हम सिर्फ वी पोल्स बनाते हैं तो क्या होगा, जो हमारा सॉइल फिल हो रखा है अप्रोच बनाने के लिए वो भी वाटर के साथ बह जाएगा। आप देखेंगे हमने यहाँ पे ये पूरा सॉइल फिल कर रखा है, सॉइल या फिर आप सैंड बोलें, ये हमने यहाँ पे ये फिल कर रखा है। तो अब क्या होगा कि जब आपका वाटर आएगा तो वाटर के साथ साथ जो आपका ये सैंड है वो भी निकल जाएगा, जो आपकी सॉइल है वो भी निकल जाएगी, तो फिर हमारा जो ऊपर से जो अप्रोच स्लैब आएगी वो हमारी सेटल कर जाएगी, फिर आपका स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो समस्या वहीं की वहीं है। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या लेके आए हैं, आपका फिल्टर मीडिया लेके आए हैं। तो फिल्टर मीडिया में हम लोग क्या करते हैं, ग्रेनुलर मटेरियल का यूज करते हैं और 500-600 mm थिकनेस का फिल्टर मीडिया प्रोवाइड करते हैं अबटमेंट और रिटेनिंग वॉल के पीछे, ये देखेंगे इस तरह से ये हमारा फिल्टर मीडिया आएगा। इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉइल को हटा के, जो हमारा सॉइल है उसको हटा के ग्राउंड लेवल के ऊपर से हम लोग क्या कर रहे हैं, अप्रोच स्लैब के नीचे तक ये देखेंगे 600 mm थिकनेस का ये फिल्टर मीडिया प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो आप ये ग्रे कलर का देख पा रहे हैं ये हमारा क्या है, फिल्टर मीडिया है।
ये देखेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ये 600 mm थिकनेस का एस पर डिजाइन हमने यहाँ पे ये फिल्टर मीडिया प्रोवाइड कर दिया, अबटमेंट के भी पीछे प्रोवाइड कर रहे हैं और जो आपकी रिटर्न बॉल है उसके भी पीछे प्रोवाइड कर रहे हैं, ये देखेंगे इस तरह से। ये हमारा इस तरह से ये फिल्टर मीडिया आ गया है, और इस फिल्टर मीडिया में हम लोग ग्रेनुलर मटेरियल यूज कर रहे हैं, ये देखें ये हमारा फिल्टर मीडिया आ गया है। अब फिल्टर मीडिया डालने से क्या होगा, फिल्टर मीडिया आपका जो सॉयल है उसको होल्ड करके रखेगा, उसमें से सिर्फ वाटर को फिल्टर करेगा, तो आपका वाटर प्रेशर रिलीज हो रहा होगा और जो हमारा अबटमेंट है, जो आपकी रिटेनिंग वॉल है, वो आपकी स्टेबल रहेंगी। तो इस तरह से देख सकते हैं कि एक आपका मेजर ब्रिज हो या फिर माइनर ब्रिज हो, उसमें आपका फिल्टर मीडिया और बी पोल्स का क्या रोल होता है, वो किस तरह से फंक्शन कर रहा होता है। आई होप आपको समझ में आया हो, और अभी मैं आपको ड्राइंग में लेके चलता हूं, तो वहां पे आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। ये देखेंगे ये हमारे मेजर ब्रिज का प्रोजेक्ट है, मैं इसमें आपको ड्राइंग में डिटेल में लेके चलता हूँ। तो अब ये डिटेल आपको कहाँ मिलेगा, अब ये चीजें अबटमेंट में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जब आप अबटमेंट का प्लान देखेंगे तो वहां पे आपको फिल्टर मीडिया का डिटेल मिलेगा, और अबटमेंट के सेक्शंस भी देखेंगे तो वहां पे भी आपको फिल्टर मीडिया का डिटेल मिल रहा होगा। ये देखेंगे यहाँ पे आपको अबटमेंट का प्लान दे रखा है, तो यहाँ पे आपको फिल्टर मीडिया का डिटेल मिलेगा। ये हमारा क्या है, अबटमेंट का प्लान है। तो अबटमेंट के प्लान में आप देखेंगे आपको अबटमेंट का फाउंडेशन भी दिखाई देगा, ये देखेंगे ये हमारा क्या है, अबटमेंट का फाउंडेशन है पूरा, ये हम पूरा अबटमेंट का फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम ट्रेपोजोइडल राफ्ट यूज कर रहे हैं, जो कि हमने अपने लास्ट सेशन में डिस्कस की हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं, तो चीजें और अच्छे से विजुलाइज हो जाएंगी। अब ये देखेंगे यहाँ पे ये हमारा इस तरह से क्या आ रहा है, ये हमारा अबटमेंट आ रहा है, ये देखेंगे ये हमने क्या बना रखा है, अबटमेंट बना रखा है। ये आपको अबटमेंट देखने को मिलेगा, ये इस तरह से हमारा अबटमेंट आ जाएगा, और इसके जस्ट पीछे ही आपकी इस तरह से रिटेनिंग वॉल आ जाएंगी। अब इसमें क्या है, हम लोग रिटेनिंग वॉल सिर्फ एक ही साइड प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी साइड हमारा क्या है, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, पहले से दूसरी साइड एक ब्रिज बना हुआ है, तो दोनों साइड रिटेनिंग वॉल नहीं आ रही है, सिर्फ एक साइड आ रही है। तो ये देखेंगे इस तरह से हमारा ये अबटमेंट भी बन गया है और ये रिटेनिंग वॉल भी बन के तैयार हो गई है। ये हमारा क्या है, अबटमेंट है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये हमारा अबटमेंट है और ये हमारी क्या है, रिटेनिंग वॉल, या फिर आप इसको रिटर्न बॉल बोल सकते हैं, ये देखेंगे। तो इस तरह से चीजें हुई हैं, और इसके जस्ट पीछे ये देखेंगे ये हमारा फिल्टर मीडिया आ रहा है, जो हम फिल्टर मीडिया की बात कर रहे थे, तो ये देखेंगे ये हमारा फिल्टर मीडिया आपको दे रखा है, ये देखेंगे ये हमारा क्या है, फिल्टर मीडिया है, और यहाँ पे लिखा हुआ आप ये क्लियरली देखेंगे आप 600 mm थिक फिल्टर मीडिया इस तरह से, और इसके पीछे से ये देखेंगे आपका सॉइल और सैंड का फिलिंग हो रहा है, ये देखेंगे यहाँ पे ये आपका सॉइल और ये सैंड का फिलिंग होगा। ये तो फिल्टर मीडिया हमारा क्या करेगा, वाटर को फिल्टर करेगा, सॉइल को होल्ड करके रखेगा, ताकि आपका जो वाटर प्रेशर है वो आपका रिलीज हो जाए, और जो आपका अबटमेंट है, जो आपकी रिटेनिंग वॉल है, वो आपकी स्टेबल रहे। तो ये प्लान में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से ये हमारा फिल्टर मीडिया आ रहा है, ये पूरा आपको फिल्टर मीडिया दे रखा है, ये देखेंगे ये पूरा हमारा क्या है, फिल्टर मीडिया है, जिसमें हम लोग ग्रेनुलर मटेरियल का यूज करते हैं, जो वाटर को फिल्टर कर सके, ताकि वाटर आपका पास हो जाए। अब आप सेक्शन में चीजें कैसे दिखाई देंगी, जब आप इस अबटमेंट का सेक्शन देखेंगे तो उसमें चीजें और डिटेल में आपको दिखाई दे रही होंगी। ये देखेंगे ये हमारा अबटमेंट का क्या है, क्रॉस सेक्शन है, तो इसमें भी चीजें आप देख सकते हैं। ये देखेंगे यहाँ पे दोनों सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, अबटमेंट का भी दिखाई दे रहा है और आपको रिटेनिंग वॉल का भी दिखाई दे रहा है, ये देखेंगे ये इस तरह से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये हमारा क्या है, फाउंडेशन, ये हमारा अबटमेंट और जो रिटेनिंग वॉल है उसके फाउंडेशन दे रखे हैं, राफ्ट का यूज हो रहा है, और ये हमारा क्या है आपका, ये हमें अबटमेंट दे रखा है, ये देखेंगे ये हमारा अबटमेंट है और इसके ऊपर से ये हमारा अबटमेंट का कैप आ रहा है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा क्या है, अबटमेंट का कैप आ रहा है। तो इसके जस्ट पीछे आप देखेंगे आपको ये फिल्टर मीडिया मिलेगा, ये देखेंगे ये आपको फिल्टर मीडिया दे रखा है, ये आपको फिल्टर मीडिया दे रखा है, ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे आपका 600 mm थिक, ये आपका फिल्टर मीडिया, और इसमें ये बी पोल्स भी दे रखे हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा, इसमें ये बी पोल्स दे रखे हैं, ये देखेंगे ये आपको बी पोल्स भी दे रखे हैं, ये 100 mm डायमीटर का ये आपका बी पोल्स होता है, ये देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये लिखा हुआ है बी पोल्स 1000 mm सेंटर टू सेंटर, तो ये आपके स्टेगर्ड आते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे डिटेल दे रखी है, ये हमारा क्या है, बेड लेवल है, इसके ऊपर से ही सारी चीजें जा रही होंगी, ये हमारा क्या रिवर का बेड लेवल है, तो इसके ऊपर से ही हम लोग फिल्टर मीडिया डाल रहे हैं और आपका वी पोल्स बना रहे हैं। यही सेम चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी रिटेनिंग वॉल में, ये देखेंगे आपका रिटेनिंग वॉल का ये आपको क्रॉस सेक्शन दे रखा है, ये हमारा रिटेनिंग वॉल आ रहा है, ये देखेंगे,
और ये नीचे आपको रिटेनिंग वॉल का फाउंडेशन दे रखा है, तो इसमें आप ये देखेंगे हमने इस तरह से फिल्टर मीडिया डाला हुआ है। ये देखेंगे ये हमारा फिल्टर मीडिया आ रहा है, ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे 600 mm थिक फिल्टर मीडिया, और इसमें ये बीप होल्स भी आ रहे हैं इस तरह से। ये देखेंगे ये हमारे इस तरह से बीप होल्स आ रहे हैं। ये देखेंगे जब हम रिटेनिंग वॉल की कास्टिंग करते हैं, अबटमेंट की कास्टिंग करते हैं, तो उसमें हम लोग 100 mm डाया का पीवीसी पाइप डालते हैं स्टैगर्ड 1000 mm सेंटर टू सेंटर पे, तो आपके बीप होल्स बन रहे होते हैं। ये आपको बीप होल्स का डिटेल दे रखा है यहाँ पे, ये देखेंगे बीप होल्स 1000 mm सेंटर टू सेंटर। तो इस तरह से ये चीजें आपको दे रखी है, राइट। अब हम बात कर रहे हैं कि जो आपका बीप होल्स है वो आपके स्टैगर्ड आते हैं, मतलब अल्टरनेटिव स्पेसिंग हमें देनी होती है, वो किस तरह से दिखाई देगा। जब आप अबटमेंट का एल सेक्शन देखेंगे या फिर रिटेनिंग वॉल का एल सेक्शन देखेंगे तो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये देखेंगे ये हमारा क्या रिटेनिंग वॉल बनेगा इस तरह से, जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये हमारा पूरा क्या रिटेनिंग वॉल बनने वाला है। ये हमारा पूरा रिटेनिंग वॉल बन के तैयार होगा। अगर आप एल सेक्शन में देखेंगे तो रिटेनिंग वॉल आपको ऐसे दिखाई देगा, अगर आप क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो ये आपको रिटेनिंग वॉल ऐसे दिखाई देगा। अब इसी में आपके बी पोल्स आते हैं इस तरह से, ये देखेंगे इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से आपके बी पोल्स प्रोवाइड करते हैं। ये देखेंगे इस तरह से आपके बी पोल्स आते हैं अल्टरनेटिव, ये इस तरह से इसमें ये आपके बी पोल्स आते हैं। ये देखेंगे ये हमने बी पोल्स बना रखे हैं, 100 mm का डाया होता है और 1000 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होती है। देखेंगे इस तरह से हम इसमें ये स्टैगर्ड लगाते हैं, ये स्टैगर्ड हो रहा है इस तरह से, हम इसमें स्टैगर्ड ये चीजें अरेंज कर रहे हैं। ये देखेंगे तो इस तरह से ये हमारा स्पेसिंग आ रहा है, इस तरह से आपका जो रिटेनिंग वॉल है उसमें आपका ये बीप होल्स आ जाएंगे, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी कहाँ तक, आपका बेड लेवल तक, यहां तक चीजें हम प्रोवाइड कर रहे होंगे। ये देखिए इस तरह से चीजें आ रही होंगी, और इसके जस्ट पीछे आपका ये फिल्टर मीडिया भी आएगा। ये देखिए ये तो हमारे बीप होल्स हो गए रिटेनिंग वॉल के, और इस रिटेनिंग वॉल के पीछे ये आपका फिल्टर मीडिया आ रहा है। ये देखेंगे ये रिटेनिंग वॉल के पीछे ये आपको फिल्टर मीडिया भी दे रखा है, ये हमारा फिल्टर मीडिया है रिटेनिंग वॉल के पीछे। ये देखिए ये आपको दे रखा है, नहीं तो फिर पता चले कि आपका पानी के साथ साथ आपकी सॉइल भी निकल जाए। ये पूरा फिल्टर मीडिया दे रखा है रिटेनिंग वॉल का, ये देखिए। और रिटेनिंग वॉल में जो वी पोल्स दिखाई दे रहे हैं वो ये हैं, जो कि आपको क्रॉस सेक्शन दिखाई देंगे, एल सेक्शन भी सामने इस तरह से दिखाई देंगे। अभी तो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, यही सेम चीज आपकी अबटमेंट में भी हो रही होगी। मैं आपको अबटमेंट के एल सेक्शन में लेके चलता हूँ, वहां पे चीजें दिखाता हूँ। ये आपका अबटमेंट आ रहा है, ये हमारा क्या है अबटमेंट का फाउंडेशन है जो कि राफ्ट है, और ये इस तरह से अबटमेंट आ रहा है, और ये हमारा क्या है बेड लेवल है, ये इस तरह से ये हमारा बेड लेवल आ जाएगा। तो इस बेड लेवल के ऊपर देखेंगे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह से ये फिल्टर मीडिया प्रोवाइड करेंगे इस अबटमेंट के पीछे, ये इस तरह से फिल्टर मीडिया आएगा, और उसमें फिर हम लोग इस तरह से बीप होल्स प्रोवाइड कर देंगे। तो ये देखेंगे इसमें आपको ये बीप होल्स दिखाई दे रहे होंगे अल्टरनेटिव स्पेसिंग पे, यहाँ पे लिखा हुआ भी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये लिखा हुआ है बीप होल्स 1000 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये इस तरह से आपके बीप होल्स आ रहे हैं, ये देखेंगे छोटे छोटे इसमें आपके ये होल्स बने हुए हैं इस तरह से। तो ये सब हमारे क्या बीप होल्स हैं जो आपका वाटर प्रेशर को रिलीज करेंगे, वाटर रिलीज होगा तो आपका वाटर का प्रेशर भी ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा। ये देखेंगे इस तरह से, और ये देखेंगे अल्टरनेटिव इस तरह हम यूज कर रहे हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा बी पोल्स आ रहा है वो किस तरह से स्टैगर्ड आ रहे हैं, हम एक ही रेंज में चीजें प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। जो हमारा रिटेनिंग वॉल था उसमें भी स्टैगर्ड आ रहे हैं, और यहाँ पे भी चीजें आपकी स्टैगर्ड हो रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से आपका अबटमेंट के पीछे हम लोग फिल्टर मीडिया प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसमें आपका वी पोल्स आ रहा है, और जो आपका रिटेनिंग वॉल है उसमें किस तरह से आपके वी पोल्स आ रहे हैं, उसके पीछे फिल्टर मीडिया प्रोवाइड कर रहे हैं। इंजीनियर्स इस सेशन के लिए इतना ही काफी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल रीइंफोर्स सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी तरह से आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।